हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सी स्क्वायर इन्फोटेक। तो ये वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपको ऑनलाइन चालान कैसे पेमेंट करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है parivahan.gov.in। यहाँ पे नीचे देखिए ई चालान में जाना है, वहाँ पे पे ऑनलाइन, फिर आप अपना चालान नंबर डाल सकते हैं या व्हीकल नंबर डाल सकते हैं, कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो मेरे पास चालान नंबर है, तो चालान नंबर से हम वो करते हैं। तो चालान नंबर एंट्री के बाद आपको करना होगा कैप्चा एंट्री। कैप्चा डालने के बाद गेट डिटेल्स करना होगा आपको, वहां पर क्लिक करना होगा। वो डालते आपका एक ओटीपी जाएगा, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर जो आपका गाड़ी के व्हीकल के साथ रजिस्टर्ड है उसमें जाएगा ओटीपी। तो वो नंबर में आप ओटीपी जब आएगा वो डालना होगा। ओटीपी आने के बाद सबमिट, तो आपका ओटीपी गलत हो गया यहाँ पे, फिर से ओटीपी डाल रहे हम लोग। तो ये देखिए डिटेल्स आ गया। तो नीचे में देखिए राइट हैंड कॉर्नर में पे नाउ ऑप्शन, वो पे नाउ में करके फिर आपको सेलेक्ट करना होगा ग्रिप्स, फिर आई एक्सेप्ट, सबमिट। सबमिट करके आपको ये इसमें आपका ज़्यादा कुछ झमेला नहीं है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, जो सेलेक्ट करके नेक्स्ट कीजिएगा। फिर आपका पेमेंट में आपका SBI ई पे, पेमेंट बैंक, नेक्स्ट, ओके, पे नाउ। यहाँ पे आप देखिए सबसे इजी तरीका मेरा UPI है, तो हम UPI ऑप्शन ऑफ करते हैं, UPI स्कैन। तो यहाँ पे आप कोई भी पेमेंट ऐप से आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट रीडायरेक्ट होने में से 1 से 2 मिनट लग सकता है कभी भी, तो थोड़ा सा पेशेंट रखना होगा आपको। अभी तक नहीं हुआ देखिए। तो ये देखिए पेमेंट प्रोसेस हो गया, ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा ग्रिप्स का साइट में। यहाँ पे भी मोटा मोटी 10 सेकेंड्स के लिए वेट करना होगा फिर। तो ये देखिए चालान पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड। नीचे स्क्रॉल करके आप रिसिप्ट में क्लिक करके आप अपना चालान पेमेंट रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं।